आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज हर पल क्षेत्र की छोटी से बड़ी खबरें। ब्रह्मा कुमारी सुखधाम गीता पाठशाला नवापारा आध्यात्मिक संग्रहालय राजिम गीता पाठशाला राजिम द्वारा वरिष्ठ भाइयों का सम्मान किया। आपको बता दें कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान आध्यात्मिक के साथ साथ नैतिक मूल्य निष्ठ समाज के उत्थान के लिए सतत कार्य करते आ रहे हैं, जिसमें क्षेत्र में लगातार संस्थान से जुड़े वरिष्ठ भाइयों द्वारा मूल्यानिष्ठ समाज स्थापन करने में अपना अमूल्य समय दिया, जिसमें नवापारा नगर के ब्रह्मा कुमारी सुखधाम गीता पाठ नवापारा के बीके नंदलाल भाई, आध्यात्मिक संग्रहालय राजिम के बीके विवेक भाई, जिन्हें इनके शिक्षकीय कार्यों को देखते केंद्रीय संगठन ने इन्हें उच्च पद में स्थान, राजिम गीता पाठशाला के बीके सेवा भाई व कोपरा के बीके श्यामलाल भाई का इनके सतत सेवाओं के लिए संस्थान से जुड़े भाई बहनों द्वारा आत्मिक सम्मान किया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों भाई बहने उपस्थित हुए। चलो बहुत सुंदर,
अब हमसे हम सबके बीच जो है हम सभी जो है सम्मान करने जा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे विवेक भाई हम सबके बीच आशीर्वचन के रूप में दो शब्द हम सबके लिए रखें। हमारे विवेक भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत प्यारा दिन है क्योंकि हम सबके मीठे प्यारे बाप दादा का आज आगमन हुआ है, और मैं तो बोलूंगा जो भी विशेषता या जो भी उपलब्धि जो होती है वो केवल और केवल बाबा के कमाल से। बच्चों को बाबा ने चुना है, सबसे बड़ी हम सबकी विशेषता है, और ये वंडर है कि बाबा का ऐसा पार्ट चल रहा है अभी, और वो हम बच्चों से भी ऐसी सेवा कराना चाह रहा है कि अभी अंतिम समय में ऐसा अनुभव हो रहा है कि वास्तव में बाबा हमको जो लास्ट जो जन्म है संगम युग भी हमारा जो 21 जन्म है उसमें से एक जन्म है, उसमें ही हमको अच्छा अनुभव करा रहा है। ये अनुभव हमको इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कंट्रास्ट है वो अच्छा लगता है कि बाकी चारों ओर हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में इतना दुख है, अशांति है, लेकिन बाबा हम बच्चों को ऐसी पालना दे रहा है कि हर पल चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो हमको बहुत सुखद अनुभव होता है। कैसी भी परिस्थिति, आज मैं 8:30 बजे से हम लोग तैयार थे और आज गरियाबंद में प्रशिक्षण था, दिन भर मतलब लगातार 5 से 6 घंटे प्रशिक्षण है, वही सब बात, लेकिन बाबा का भी अनुभव होते जा रहा था और कहीं ना कहीं बाबा वहां पर भी सेवा करा लेता है। सब नाश्ता बांट रहे थे बाबा कमाल से, घर से बाबा के यहाँ से टिफिन ले गया था तो युक्ति से मैं तो उसको ले लिया, लेकिन जो बहनें जो वहाँ पर नाश्ता डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी उनको मैं शिव संदेश दिया तो पहचान गया कि ये ओम शांति वाला है करके। मेरे को बाबा को हर कोई जान रहे थे, ऑफिसर को तो वो भी जान रहा है कि ये शिव बाबा है, ये बाबा ने कमाल किया है। और अभी अच्छा मौका दिया है कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें पूरे कर्मचारी पूरे भारतवर्ष के 85 लाख लोग हैं, साथ में अगर कॉर्पोरेट सेक्टर को लेंगे तो 1,14,000 करीब 1,14,00,000 कर्मचारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये कब पता चला, जब हम बाहर जब जाते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में संगठन क्या है, और कहीं ना कहीं बाबा हमको ऐसा निमित्त बना रहा है। जैसे मैं उत्तराखंड गया था, मैं भी अनुभव भाई लोगों को भी बताया था, उत्तराखंड जब गए तो उत्तराखंड में कोई उतना ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं हुआ है, जब शिव संदेश दिया उनको बताया कि हम सभी अभी बाबा केदारनाथ की भूमि पे हैं, क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, बोला जो केदारनाथ को हम लोग इतना याद करते हैं, सब तीर्थ यात्रा करते हैं, वो उनका कार्य चल रहा है। तो ये बाबा का कमाल है कि नए लोगों से जुड़ने का अवसर मिला है, और मैं तो बाबा का परमा परम शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने इस जीवन में ऐसा सेवा का सौभाग्य दिया है। और यहाँ के सभी भाई बहनों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि आप सबकी दुआओं से, आप सबकी शुभकामना से हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। और मैं तो हमारे आदर्श आदरणीय नंदलाल भाई जी है ना, जिनका वास्तव में जब से जुड़े हैं मैं तो भाई जी को देखा हूँ, अटूट निश्चय है बाबा के प्रति, असीम प्यार है। वैसे ही हमारे श्यामलाल जी भाई जी, सेवा भाई जी तो पूरे यहाँ के कर्णधार है भाई, है ना, आधार स्तंभ बोल सकते हैं, और आप सभी भाई
दीपक भाई, हमारे लखन भाई, शंकर भाई, राधे श्याम भाई, दिलीप भाई, हमारे भागवत भाई, हमारी सभी बहनें राखी बहन जी, मनीषा बहन जी और विजेता बहन। हमारी राखी बहन जी तो 95 से है ना बहन जी, 94 से है, 95 में बाबा से मिलन हुआ है ना। ये सभी आदि रत्न है और बहुत दुग्ध पुरुषार्थी है, है ना। बाबा किसी किसी को थोड़ा से प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन असली पुरुषार्थ आप लोग जो कर रहे हैं और आप सबके पुरुषार्थ का ही फल है कि थोड़ा थोड़ा बाबा हम लोग को निमित्त बना दे रहे हैं। तो मैं बाप दादा को बहुत बहुत दिलो जान से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी भाई हम सबके बीच रखा पुरुषार्थ के बारे में भी और संगठन के बारे में, आने वाले समय विकराल परिस्थिति के बारे में भी आपने कुछ बात रखा, और पुरुषार्थ के बारे में तो बहुत ही सुंदर बात की। तो इस प्रकार से रूहानी संगठन और ऐसी बना रहे बाबा के बच्चे के अंदर जो विशाल विकराल जो परिस्थिति आए उस ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, जो हमारे बाबा का आगमन भी है, आज भोग लगा मिल रहे हैं। उसी बीच में हमको ऐसे कार्यक्रम में हम विवेक भाई के नाम से रखा गया था, पर इस करीब हमको एक जोड़ लिया, मैं अब आप खुश हूँ। और इसमें हमारे पहले भाई सब आए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारे नंदलाल भाई जो इंजन है, शुरू इंजन, उसके पीछे हम लोग लगे हैं कतार में विवेक भाई के, और हमारे सेवा भाई के यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, यानी छोटे से छोटे से लेकर बड़े से बड़े व्यवस्था किसी को बुलाना नहीं पड़ता है, एकाएक ही कर लेते हैं पापा से सुनी करके। और हमारे लखन भाई है, वो भी ने दौड़ के आया है, बीच में मेरे बोला भी आते आते मैं भी जा रहा था कि मेरे आनंद आया भाई। और हमारे दीपक भाई है, वो तो पत्रकार है, वो तो क्या है सारी संदेश सभी जगह भेज देते हैं, जिससे हमारे राज्यों का जो संगठन बना है उसमें विशेष प्रकार के हमारे पत्रकार के द्वारा हमें भेज रहे हैं, तो एक छोटा रूप में बड़े रूप में धारण करने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए लगातार हम सब एक साथ मिल करके चलें और जोड़ने का और प्रयास करें और भाई बहनों को। और मैं चाह रहा हूँ कि अभी हमारे सुझाव है कि विवेक यहाँ के भवन में एक गाड़ी लेकर के हम गांव गांव प्रचार करने जाएंगे, तो इसको भी चाहता हूँ कि स्वप्न जो हमारे सेवानंद को रखा है, उसको पसंद किया है, उसको हम सब मिलकर करेंगे ना, तो बराबर गांव गांव भी जा करके बहनों से मिल करके प्रचार करते रहेंगे। और बाबा हमको अति ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि एक संगठन बना करके रखें। बस इतना कहना। हमारे श्याम जो आपने इतना अच्छा बाबा के ज्ञान को विस्तार में ले जाने की ओर बात की और सबके दिलों ध्यान में है, क्योंकि बाबा सबका है और बाबा ने कहा सत्यता को थोड़ा सा सभ्यता से हम कहें तो वो दिन दूर नहीं जो बाबा की सेवाएं अब तो आप ही हो रहा है। इतनी हलचल हो गई है दुनिया में, अब कोई ऐसा नहीं जो ओम शांति के बारे में ना बोले। आज देखो बड़े बड़े धर्माचार्य भी बोलते हैं, मैं टीवी में देखता हूँ प्रदीप मिश्रा जी का, वो खुद कहता है आपको शिव जी के बारे में ज्यादा जानकारी लेना है तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम चले जाएं। देखो कितनी बड़ी बात है। और आज हमारे बीच में बाबा ऐसे से हमें जाने की सेवाएं दे रही है, तो बस हमको बाबा का हाथ पकड़ना है। बाबा आप ही करा रहे हैं वो तो हजार, हम तो बुझाए हैं बाबा का, और बाबा करावनहार है वो करा रहा है। इसलिए बाबा का कार्य में सहयोगी बनना ये बहुत बड़ी भाग्यवान की निशानी है। और ये संगम युग ड्रामा कल्याणकारी है, ये सबको पता है, तो इस प्रकार से कल्याण तो समाया हुआ है हर बात में। जब हमें ज्यादा महसूस होती है कि कल्याणकारी परमात्मा को पहचान करके हम सेवा करते हैं, तो इस प्रकार से अब हमारे भी हनुमान जी आदि रतन कहूँ
या स्वयं रुद्रावतार कहूँ इस संगम युग में, तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि हमारे सेवाराम भाई जितना आज सेंटर से संतुष्ट नहीं है आत्मा है, उतने आज सेवाराम से संतुष्ट है आत्मा। और देखो बाबा, इसी के आधार पे आपको भविष्य पद मिलना है। कितने लोगों को सुख दिया, ये नहीं कहेगा कि तुम कितने लाख सेंटर में रह जमा किए, ऐसा कभी नहीं पूछेगा बाबा। कितने आत्माओं को संगम युग में सुख दिया, यही पद का आधार होगा। तो इस प्रकार से भगवान को साकार करने वाले, अपने चरित्रों से अनुभव कराने वाले ऐसे अथक सेवाधारी हमारे बीच सेवाराम भाई का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, शुक्रिया करते हैं। तो वो हम सब भाई बहनों को अपना अनुभव शेयर करेंगे। सेवाराम भाई, बाबा के तो सभी बच्चे थे और बाबा ने तो सभी राज बता दिया है, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे दिया है। तो हमें राज को राज नहीं रख करके स्वपुरुषार्थ में ज्यादा करें, और जितना स्वपुरुषार्थ पर ध्यान देंगे उतना ही वह गुस्सा की शक्ति आएगी, और उतना गुस्सा से हम उठ सकते हैं। जब वह गुस्सा होगी तो खुशी होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा, सब कुछ प्राप्त होगा। और बाबा हमें यही कहते हैं कि संगम पर हम सब भी कहाँ बैठे हैं, संगम पर ही बैठे हैं। तो संगम पर बैठना नहीं है, उड़ना है, उत्साह करना है, छोटे छोटे विघ्नों को पार कर कर होते जाना है। तो सदा उन्हें गुस्सा की पंख दे करके हम अपने लक्ष्य और लक्षण को देख करके आत्मा समझ उस परमात्मा पिता को अपना साथी बना करके सदा चलेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी चीज मुश्किल मुश्किल बात भी छोटी लगेगी। तो मैं ज़्यादा ना कह करके यही कहूँगा कि ब्राह्मणों का स्नेह मिला, ब्राह्मणों का परिवार मिला, हम एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ाएंगे तो हम भी सुखी रहेंगे और औरों को भी सुखी बना सकते हैं। कई बातों को अपनी बातों के नाम बहुत बड़ी कृपा है ये, बहुत बड़ी कृपा है ये। सभी के लिए शुभकामना है और हमेशा ऐसे होते रहना है। भाई लोगों के मतलब सम्मान और घर से बाबा के मिलन के लिए सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है, सच्चाई की दुनिया वो एक सुनहरा जमाना है। देखो फिर